बार्बी गर्ल कैटरीना तो सल्लू नहीं बनते सुल्तान। जी हाँ, अगर कैटरीना नहीं होती तो शायद हमें सलमान की शानदार पहलवानी सुल्तान देखने को नहीं मिलती। वैसे ये तो सारी दुनिया ही जानती है कि सलमान कैटरीना के लिए शुरू से ही कितने केयरिंग और पजेसिव है। जहाँ इंडस्ट्री में शुरू से ही कैटरीना को सलमान का साथ और सहारा मिला है, वहीं एक टाइम था जब सलमान सुल्तान जैसे हिट मूवी नहीं करते अगर कैटरीना नहीं होती। और ये खुलासा किया है सलमान और कैटरीना के क्लोज और डायरेक्टर फ्रेंड अली अब्बास जफर ने। जी हाँ, टाइगर जिंदा है, एक था टाइगर और सुल्तान जैसी मूवी बनाने वाले अली ने बताया कि कैटरीना कैफ मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। कैटरीना ने एक बार बातचीत के दौरान मुझे सलमान से मिलने की सलाह दी थी। मेरी फिल्म नहीं बनती अगर कैटरीना वहाँ नहीं होती। अली अब्बास जफर ने साफ तौर पर कहा है कि सलमान के साथ मेरी 3 फिल्में नहीं बनती अगर कैटरीना नहीं होती। अपनी इस बात को क्लियर करते हुए अली ने कहा, मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था, तब मैं एक नई फिल्म को लेकर कैटरीना के घर पहुंचा था। तब एक स्क्रिप्ट पर कैटरीना ने मुझे सलमान के पास जाने को कहा। उनकी बात पर गौर करके मैंने सलमान से मिलने की पूरी कोशिश की। जब मैंने सलमान को सुल्तान की स्टोरी सुनाई तो सलमान ने मुझे कहा कि तुमने अब तक जो काम किया है वो काफी अच्छा है, लेकिन तुम्हें जमीन से जुड़ी हुई फिल्में बनानी चाहिए और अगर तुम इसे बनाते हो तो तुम इसके बाद सबसे बड़े डायरेक्टर बन सकते हो। उनकी यही सलाह मैंने सुनी और ये मुझे आज तक याद है। इसके बाद ही मुझे सुल्तान को बनाने का पूरा आइडिया आया। अली ने आगे कहा कि जब सुल्तान का ड्राफ्ट तैयार किया गया था तो इसका नाम पहले दंगल रखा गया था, लेकिन सिर्फ सलमान के कहने पर ही उन्होंने इस फिल्म का नाम सुल्तान रख दिया। और आज सुल्तान स्क्रीन पर कितनी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई है ये तो आप और हम सभी जानते हैं। यानी भाई मानना ही पड़ेगा, अभी तक तो सिर्फ यही पता था कि सलमान कैटरीना के करियर की नई अपार लगाने के लिए उन्हें अच्छी मूवीज चॉइस करने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो कैटरीना ने भी एक केयरिंग फ्रेंड की तरह सलमान के लिए हिट मूवी का ऑप्शन तैयार किया था। इंडिया बॉलीवुड वायरल की रिपोर्ट।